देश की अधिकतर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं। ये दिशा है पश्चिम से पूर्व। सारी नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं बहती? आज जानिए इस नदी के बारे में। विपरीत दिशा में बहने वाली इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा का एक अन्य नाम रेवा भी है। गंगा सहित अन्य नदियां जहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक प्रमुख नदी है, जो मैखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसकी रिफ्ट वैली में होना है, जिसकी ढाल विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। सारी नदियों के विपरीत नर्मदा नदी के उल्टा बहने के पीछे पुराने कारणों को भी माना जाता है, साथ ही कई कहानियां भी प्रचलित है। नर्मदा नदी से जुड़ी एक कहानी के मतानुसार नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन नर्मदा की सहेली जोहिला के कारण दोनों के बीच दूरियां आ गई। इससे क्रोधित होकर नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने और विपरीत दिशा में बहने का निर्णय लिया। अगर भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो पता चलता है कि नर्मदा नदी एक विशेष स्थल पर सोनभद्र नदी से अलग हो जाती है। नर्मदा को भारत की सबसे पौराणिक नदी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस नदी के दर्शन मात्र से इंसान के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। ताज्जुब है पर सच है। शायद इसीलिए भारत में बहने वाली नदियों को इतना पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता का अटूट अंग है। आज के लिए बस इतना ही।